नमस्कार उज्जैन, अभय न्यूज के मंगलवार 24 अक्टूबर के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आकांक्षा पिवाल। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों को विजयादशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब नजर डालते हैं दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। पुलिस लाइन में दशहरी पर शस्त्र पूजन, विजयादशमी पर कदम ताल करते निकले स्वयंसेवक, शराब का अवैध परिवहन करते पकड़ाए दो बिहारी युवक, ताल गरबा में मिली ताल से ताल। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने किया मीडिया सेंटर का शुभारंभ, महानवमी पर भंडारा, हजारों श्रद्धालुओं ने लिया प्रसाद, गरबा रास में जमकर झूमे शहरवासी। हमेशा यूनिफॉर्म में रहने वाले पुलिस अधिकारी मंगलवार को सिविल ड्रेस और साफों में पुलिस लाइन में दिखे तो कुछ देर के लिए लोग भी चौंक गए। दरअसल पुलिस अधिकारी दशहरा पर्व के चलते शस्त्र पूजन करने पहुंचे थे। हर साल की तरह इस बार भी विजयादशमी पर पुलिस लाइन के शस्त्रागार में आईजी संतोष कुमार सिंह, एसपी सचिन शर्मा सहित अन्य अधिकारियों ने विधि विधान से शस्त्र पूजन कर आरती की। इसके पश्चात परंपरा अनुसार पहले कद्दू काटा गया और फिर अधिकारियों ने हर्ष फायर की। इस दौरान कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम भी मौजूद रहे। आज दशहरे के उपलक्ष्य में, विजयादशमी के उपलक्ष्य में यहाँ पे परंपरागत शस्त्र पूजन जो पुलिस लाइन के शस्त्रागार में आयोजित किया गया था, हम सभी ने यहाँ पे किया है। और हम सभी ने सबसे पहले अपने जिले की और अपने संभाग की जनता की सुरक्षा और समृद्धि की कामना की, साथ साथ हमारे सभी साथी जो लगातार मुस्तैद होकर 24 घंटे जनता की सुरक्षा और उनकी शांति रहे समाज में, इसके लिए तत्पर रहते हैं। हम लोगों ने ये भी कामना की है कि चुनौतियां ज़रूर आएँ पर उसका सामना वो हर प्रकार सक्षम तरीके से करें और सुरक्षित रह के करें और उनका परिवार और वो समृद्धि की तरफ बढ़ें। असत्य के सत्य पर विजय के उत्सव दशहरे पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने विभिन्न स्थानों से पथ संचलन निकाला। पथ संचलन में स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में शामिल हुए। दरअसल विजयादशमी के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन उज्जैन महानगर के 6 नगरों के अंतर्गत आने वाली विभिन्न बस्तियों में निकाला गया। पथ संचलन के कार्यक्रम में अतिथि उद्बोधन के बाद ध्वज प्रणाम करने के उपरांत स्वयं सेवकों ने घोष की धुन पर कदम ताल करते हुए अपने क्षेत्र में संचलन किया। इस अवसर पर बच्चे भी संचलन में शामिल हुए। नानाखेड़ा पुलिस ने बड़ी मात्रा में शराब का अवैध परिवहन करते दो बिहारी युवकों को पकड़ा है। पुलिस ने इनके पास से शराब के साथ बोलेरो वाहन भी जब्त किया है। मिली जानकारी के मुताबिक नानाखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम डेंडी स्थित कलासी के पास से नानाखेड़ा पुलिस ने बीती रात बोलेरो में शराब का अवैध परिवहन करते रंजीत यादव और रणधीर यादव निवासी डेंडिया को पकड़ा। इनके पास से बियर और शराब की 21 पेटी और बोलेरो जब्त की गई। दोनों युवक मूलतः बिहार के रहने वाले हैं। जगमगाती लाइट्स, लाउड स्पीकर पर बजते गीत और उस पर नॉनस्टॉप थिरके शहरवासी, कुछ ऐसा ही नजारा नवरात्रि की आखिरी शाम पर चिंतामन रोड स्थित होटल सॉलिटियर में आयोजित ताल गरबा में नजर आया। 3 दिवसीय आयोजन के आखिरी दिन रिकॉर्ड तोड़ शहरवासी इवेंट में पहुंचे और गरबे में ताल से ताल मिलाई। दरअसल शिक्षा कल्याण निधि संस्था द्वारा 21 से 23 अक्टूबर तक गरबा रास का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी उम्र के लोगों ने शामिल होकर गरबे के माध्यम से मां की आराधना की। आयोजन की सफलता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आखिरी दिन भीड़ ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। कार्यक्रम संयोजक कशिश तिवारी ने बताया कि आयोजन का यह 3रा वर्ष है, जिसमें हर बार की तरह इस बार भी उज्जैन की जनता ने भरपूर प्यार दिया। इस आयोजन से जो भी राशि एकत्रित होगी वह जरूरतमंदों की सहायता के लिए दान में दी जाएगी। उन्होंने इवेंट की कवरेज के लिए मीडिया पार्टनर अभय न्यूज का आभार माना। आज के इवेंट में हमारे वहाँ पे 3,500 से भी ज्यादा पब्लिक रही है। उज्जैन ने हमें बहुत प्यार दिखाया है ताल गरबे के थ्रू
और एक ये चैरिटी इवेंट था जो SKNM के डोनेशन के लिए यूज किया जाएगा, आश्रय वृद्धाश्रम के वृद्धों के लिए यूज किया जाएगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें हमने अप्रॉक्स 18 गिफ्ट हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं जो हमारे स्पॉन्सर्स के थ्रू दिए गए थे। स्पॉन्सरशिप में हमारे साथ सिंक डांस अकेडमी, अंजलि मेकओवर्स, फीलिंग गिफ्ट एंड वेन्यू सॉलिटेयर एंड फैशन स्टूडियो एंड अपना उज्जैन एंड फूड खाना था। इसको 3 साल हो गए, ये 3rd ईयर था जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा पिछले 2 सालों जैसे। और हम उम्मीद करते हैं कि उज्जैन की जनता हमें ऐसे ही प्यार दिखाएगी और हम इसे आगे भी कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने सोमवार शाम पार्टी के संभागीय मीडिया सेंटर का शुभारंभ किया। इसके पहले विधि विधान से पूजन किया गया। इस अवसर पर वीडी शर्मा ने कहा कि पार्टी के मीस मीडिया सेंटर से पत्रकारों को हर जानकारी मिलेगी। यह मीडिया सेंटर सिर्फ मीडिया सेंटर नहीं बल्कि फ्रेंडली सेंटर होगा। फ्रीगंज में वसावड़ा पेट्रोल पंप के सामने स्थित चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि बीजेपी में प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता बल्कि पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है क्योंकि हर कार्यकर्ता प्रत्याशी है। उन्होंने दिग्विजय सिंह पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे तब बंटा ढार युक्त था, जनता सड़क पानी और बिजली तक के लिए परेशान थी। जब से भाजपा सरकार आई तो प्रदेश का विकास हुआ। उन्होंने सनातन धर्म का अपमान करने वालों को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि महाकाल से बड़ा सनातन नहीं है। कांग्रेस और उनके सहयोगी गठबंधन सनातन की तुलना बीमारी से करते हैं और उसे समाप्त करने की बात करते हैं। किसी की ताकत नहीं जो सनातन को समाप्त कर दे। जो सनातन पर आक्रमण करते हैं उन्हें धूल चटाने का काम चुनाव में जनता करेगी। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरुजी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी सावे रोड उज्जैन। सोमवार या चौराहे पर मां महाकाली ग्रुप द्वारा महानवमी पर भंडारे का आयोजन किया गया जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने शामिल होकर भोजन प्रसादी ग्रहण की। दरअसल सोमवार या चौराहे पर मां काली का मंदिर है। नवरात्रि के दौरान यहां बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं। इस वर्ष पहली बार महानवमी पर भंडारा हुआ जो शाम 5 बजे से शुरू हुआ और देर रात तक चला। ग्रुप के संयोजक विष्णु बाला ने बताया कि 20 अक्टूबर को चुनरी यात्रा भी निकाली थी जो जुना सोमवारिया से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए शक्तिपीठ हरसिद्धि मंदिर पहुंची जहां मां को चुनरी अर्पित की गई थी। तो देखा आपने अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। कल फिर मुलाकात होगी आपसे इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।